अभी गायों का दूध निकालना हो चुका है, वहाँ पर लक्ष्मी में अपनी खुराक खा रही है। अभी कबूतरों को भी निकाल देते हैं, वो ऊपर बैठे हैं, उनका भी बाहर निकलने का टाइम हो चुका है, तो अभी निकले। उनको भी दाना डालना पड़ेगा, अभी दाना दिया नहीं है। और अपने बच्चे तो सामने वाले घर में बैठे हुए हैं, उनको भी अभी थोड़ा टाइम में बाहर निकालेंगे। वहाँ पर हलचल कर रहे हैं, वापस से घर के ऊपर। तो इनका यही काम है, यहाँ से वहाँ उड़ते रहना, जहाँ दाना दिखे वहाँ पर बैठ के दाने खाना। तो यहाँ पर बातचीत चल रही है, अपनी लक्ष्मी दबा के खुराक खा रही है। तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज इन दोनों को लेके आए हैं, और इन दोनों को कभी साथ में चलाया नहीं आज तक, और अभी देखते हैं कि आज होने क्या वाला है। काम अपने अपने तरीके से होता है, या फिर काम इनके तरीके से होता है। तो काम की करते हैं शुरुआत, इन दोनों को लेके चलते हैं चारा लेने के लिए। कल शाम को छोटे भाई ने काट के रखा था, तो आज इन दोनों का पहला दिन एक साथ में है। बाकी ये भी चलता है, चलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों का साथ है, क्योंकि इसके साथ जो चलता था वो एक तो अपना जो छोटा बुल था वो बुल चलता है, या फिर वो जो दूसरा बैल है वो चलता है। इसके साथ तीनों में से सिर्फ वो तीनों चले हैं, ये भाई साहब इसके साथ नहीं चले। तो अभी इसके साथ इन दोनों की जोड़ी देखते हैं क्या होता है। अभी खाना खा के उठे है, और इन डॉग को अभी खाना छोटा भाई दे रहा है। कबूतरों का तो सुबह से चल रहा है खाना। गायों को सबको खोल दिया है चारा खाने के लिए, लेकिन चारा जो पुराना है वो खा रही है। अभी नया चारा आएगा, उसकी कुट्टी इन सबको मिलेगी। बच्चों को भी बाकी है, बच्चे भी अभी तक यही पास में, उनको भी नीम के पेड़ के नीचे शिफ्ट करना है। तो अभी फटाफट चलते हैं बैलगाड़ी लेके, क्या होता है क्या नहीं वो वहाँ जाके पता चलेगा। अभी अपना चारा भर लिया है, और अपने दोनों बैल अच्छी तरीके से जा रहे हैं। उधर वाला तो अपना नया बुल है, जो इसके साथ नहीं चलाया है कभी भी। अब सामने से देखा तो इसके बाजू में तो दिख नहीं रहा है। ये रहा अपना बड़ा बुल, वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो अभी चलते हैं अपने फार्म पर। फार्म पर तो आ चुके हैं, लेकिन उसे अभी ठीक से घूमना आता नहीं, तो वो दिक्कत कर रहा है घूमने में। अभी धीरे धीरे उल्टा घूम गया है पूरा मेरी तरफ, ये थैलियों की तरफ, क्योंकि वो नया है, उसे अभी घूमना ठीक से आता नहीं, और यहाँ पर वो बाहर की तरफ। ठीक हो गया, चल चल आगे जा, आ गया। रास्ते में तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर घूमने में दिक्कत हो रही थी। तो अभी सभी गायों को चारा डाल दिया है हरा और सूखा, तो सभी गाय खाने के लिए चली गई। अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है, अंदर का गोबर भी उठा लिया है, और बड़े तीनों शैतानों को भी चारा डाल दिया है हरा और सूखा मिक्स। तो ये तीनों भी यहाँ से खा रहे हैं, इनकी भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से चारा इनको मिल गया है। और आज धूप बहुत तेज़ है, और धूप लगेगी। बैल ये रहे दोनों, तो बैलगाड़ी तो आ गई सही से, लेकिन भाई साहब सही से कोई मतलब ऐसे धीमे से कोई काम ही नहीं इनके पास। जो करना है झटपट करना है, और सिंह है नुकीले, इसलिए ये मुंडी जरा सी भी हिला देते हैं तो डर लगता है, क्योंकि सिंह ना लग जाए। और इसके सिंह दोनों बाहर की साइड है, तो जल्दी से लग जाते हैं। तो आ गए सही से, ये रही अपनी कपिला, ये रहा बाजू में विक्रम, और इनको है सिर्फ और सिर्फ हरा चारा। हरे के अलावा ये कुछ और खाते नहीं ज़्यादा। इस साइड में गुड़िया आरती, और इस साइड में लक्ष्मी, तो लक्ष्मी भी इनके साथ आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनके पास चारा भी खा लेती है। तो इनको यहाँ पे मिल गया है जो देना था, और इनको भी मिल गया है। तो अभी सिर्फ अभी उस वाली फार्म की गाय चराने को जाना एक काम बाकी है, और खेत में चने वाले पानी देने का एक काम।
तो इन सब का आधा चारा खाना हो गया, आधा बाकी है, थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इनको सूखा और हरा मिक्स दे देंगे, उसके बाद पानी पिला देंगे। और लक्ष्मी यही बैठी है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये इनके साथ भी चारा खाती है, सामने वाले खेत में भी है, इस वाले खेत में मूँगफली है, तो उसके हिसाब से जहाँ से चाहे वो खा सकती है। और अपने बैल ये रहे, एक तो ये होशियार या गया नहीं ऊपर, ये भाई सब देखो ऊपर चले गए, इनको नीचे मज़ा नहीं आ रहा था, अंदर में चले गए अपने आप, इसको किसी ने भेजा नहीं। और इसका काम है कोई अच्छी चीज़ को ख़राब करना, तो अगर इसने ज़ोर से अगर मुंडी इसी किसी भी खाम को लगा दी तो ये खाम भी टूट जाएगा, क्योंकि ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बुल है, तो ये कुछ भी अनहोनी कर सकता है। डॉग यहाँ पे एक सो गया है ठंडी जगह में, और इस भाई सबको ठंड लग रही, तो ये धूप में आ गए, देखो सबको धूप लग रही है, और इसको ये तो मतलब ठंडी लग रही, सबको धूप लग रही और इसको ठंडी लग रही, अलग है ना इसका कुछ। और इस साइड में तीन बड़े शैतान चारा खा रहे हैं, राजा को टैंक में छोटे भाई ने खाना दे दिया था, टैंक को हमने कल ही साफ किया तो पानी थोड़ा अच्छा है। ये रहा सामने राजा, इसको भी धूप चाहिए तो ये धूप में आ सकता है, छाव चाहिए तो छाव में भी जा सकता है, पानी चाहिए तो पानी में भी जा सकता है, पानी से बाहर आना हो तो ये हमने ऊपर पत्थर रखे, इस पर भी ऊपर बैठ सकता है, लेकिन ये इधर की साइड बाहर निकल रहा है। थोड़ी देर बाद अगर टाइम मिला तो हम इसको बाहर निकल के बाहर खुली जगह में घुमाएंगे। और एक भाई साहब यहाँ पे लेटे हुए हैं, ये रहे, इनको भी बढ़िया नींद आ गई एकदम मस्त वाली, आग बंद करके सो गए, कुछ भी हो जाए उसको तो सोना है। ये दो यहाँ पे दाने खा रहे हैं, बच्चों को यही से ले जा रहे हैं, और गायों का भी आधे से ऊपर चारा खाना हो गया, यहाँ के भी जो काम थे वो पूरे हो चुके हैं। और दो तीन दिन से हल्के बादल थे, लेकिन आज ये आसमान पूरा साफ, आज एक भी बादल नहीं है, ये देखो पूरा आसमान साफ है एकदम बढ़िया वाला। सुबह में थोड़ी अच्छी ठंड भी थी। ये रहे अपने मोती भाई साहब, इनका भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी लेटे हुए, इस तरह अपनी पास वाली मकई है। तो अभी पिताजी और मम्मी जी आ रहे घर से, चाचा जी और छोटा भाई दोनों लोग अभी घर पे गए, उनके आने के बाद मैं खाना खाऊंगा, खाना खा के फिर मैं अपना जो चने वाला खेत उसमें पानी देने जाऊंगा, पिताजी जाएंगे गाय चराने उस वाली फार्म के। चंपू भाई साहब यहाँ पे सोए हुए, सब के सब अभी आराम कर रहे हैं। तो अभी सामने से पानी आ रहा है चने वाले खेत में, और कल से मैंने पानी थोड़ा कम लेके आया हूँ मैं, ज़्यादा पानी रहता है तो दिक्कत आती है, क्योंकि चना हो गया है बड़ा तो पानी यहाँ हुआ जाता है, दिक्कत आ रही है, तो हमने पानी आज कम लेके आए, तो पानी चालू कर दिया है खेत में। चाची जी छोटा भाई घर पे है, पिताजी गए गाय चराएं, और अभी चने में पीछे तक जाना पड़ेगा मुझे पानी देखने के लिए, खुजली तो बहुत होती है, तो खुजली से बचने के लिए मैंने देसी जुगाड़ किया है। ये देखो पैरों में मैंने पूरी मिट्टी लगा ली है, इससे आसानी से हम चने वाले खेत में चल सकते हैं, जिससे अपने पैरों में खुजली नहीं होगी, और पानी से हम इसको धो के निकाल सकते हैं। तो अभी करते काम पूरा। तो अभी हम इस वाले फार्म पे आए हैं, और हम आए हैं अपने बैल लेने के लिए, तो एक बैल सामने है और एक ये पीछे रहा, तो दोनों बैल उसी पर ले जाने हैं उस वाले फार्म पे, क्योंकि खेत में हल चलाना है तो बैल ले जाएंगे, बुलों की कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे, तो बुल यही रहेंगे फार्म पे, और ये दो बैल जाएंगे। और पिताजी फिर से ये जो यहाँ पे बचे हुए बुल गाय और बच्चे इन सबको चराने के लिए वापस जाएंगे, हम इनको लेके चलते हैं। और आज हवा ने इतना परेशान करके छोड़ा है कि क्या बताऊँ, हवा रुकने का नाम नहीं ले रही और हमें कुछ काम करने नहीं दे रही। तो भाई अभी तो पूरा अंधेरा हो चुका है, चुटकी अंदर है फार्म के सेफ्टी रूम में, सभी छोटे शैतानों को कर दिया है बंद, और इनको सूखा और हरा मिक्स चारा दे दिया है, सेफ्टी रूम में पानी भी रख दिया है, और अपनी सभी गाय चारा खाने चली गई। ये रही, नज़दीक से दिखा देते हैं सभी गायों को, क्योंकि दूरी से दिखते नहीं, आपको लग रहा होगा सामने तो उजाला है, लेकिन वो उजाला नहीं दिखता, उजाला है लेकिन हो गया है पूरा अंधेरा, ये देखो। और अपनी गाय अभी हमने खोली है, दूध निकाल के पिताजी अभी ले गए हैं, चाचा जी अभी डॉग को खाना दे रहे हैं, छोटा भाई इस वाला जो नीचे वाला दरवाज़ा वो बंद कर रहा है। और आज काम बहुत कम किए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, क्योंकि दोपहर को हवा बहुत तेज़ चल रही थी, और अपने को खेत में फसल में पानी देना था, अगर पानी दे देते आज तो अपनी पूरी फसल ज़मीन से लग जाती, पूरी गिर जाती, क्योंकि बारिश का जो पानी है वो ऊपर से गिरता है, और अपन जो पानी देते वो भी नीचे से चलता है, लेकिन हवा की वजह से जो फसल है वो गिर जाती है, इसलिए जब बारिश का पानी आता है तब हवा आती, तब जैसे फसल गिरती वैसे ही इस स्थिति में भी गिरने वाली थी, इसलिए हमने
आज पानी देने का काम कैंसिल कर दिया, हल चलाने का काम शुरू कर दिया, तो टाइम हो गया, इसलिए दूध निकालने को भी टाइम हो गया, हमें भी पूरा टाइम हो गया। और दोपहर को मैंने इसलिए वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, हम जो भी शूट करते हैं वो हवा की वजह से कुछ भी आवाज़ आता नहीं और अपना पूरा काम ऐसे ही चला जाता, इसलिए अभी ये वाले काम तो निपट ले, अभी निकलते हैं घर के लिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।